हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज आपका जो प्री पीजी का पेपर हुआ है उसकी आंसर की क्या हो सकती है उसके बारे में अपन यहां बात करने वाले हैं। तो जो आंसर की अपन देखने जा रहे हैं वह आपके डी सीरीज की है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर देख लें। डी सीरीज के अनुसार देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन और ड्राइंग के बीच में डिफरेंस क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, डिहाइड्रेशन इज द पार्शियल रिमूवल ऑफ वाटर, वेयर द ड्राइंग इज द कंप्लीट रिमूवल ऑफ वाटर। व्हाट इज द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर? तो यह जीरो होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू इंप्रूव द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ नॉन डेस्क्रिप्ट बफेलो, द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड इज वाइडली यूज फॉर द ब्रीडिंग, दैट इज द मोरा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। देन फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अ स्ट्रक्चर बॉटम हीट बॉक्स इज जनरली यूज फॉर, दैट इज द कटिंग रूटिंग्स के लिए यूज होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। इन एक्रिडिडी द टिम्पेनम इज प्रेजेंट ऑन इज अ फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। देन द टोमेटो ट्रांसजेनिक वेराइटी फ्लेवर सावर वास डेवलप्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक इज एंटीजन्स आरएनए टेक्नोलॉजी को इसमें यूज किया गया, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द क्रॉस बिटवीन द टू जेनेटिकली डिफरेंट होमोजाइगस प्लांट इज नोन एज F1 और हाइब्रिड, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इरोजन इज नॉट अ टाइप ऑफ सोइल इरोजन कॉज्ड बाय अ वाटर, दैट इज द सैंड डून, फर्स्ट वन राइट होगा। द टेक्सोन सब क्लास एंड्स विद द सफिक्स इज माइकोटा, फर्स्ट वन राइट होगा। देन वाटर यूज एफिशिएंसी इज वाई अपॉन ईटी, यील्ड अपॉन इवेपोट्रांसपिरेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। देन द आइडेंटिफाई द पैरासिटोइड ऑफ पपाया मिलीबग, पपाया मिलीबग के पैरासिटोइड कौन से हैं? तो तीनों ही है यहां पे, तो इस केस में ऑल ऑफ द अबव आएगा, एक्रोफेगस पपाई, स्यूडोलेप्टोमैक्सिस मेक्सिकाना और एंगाइरस लोकाइरी, ये तीनों ही है इसके अंदर। अ प्री स्टोरेज और प्री शिपिंग शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रीटमेंट फॉर द कट फ्लावर्स फॉर द लॉन्ग स्टोरेज एंड डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड पल्सिंग के नाम से जानेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। देन द साइटोप्लाज्मिक के जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स इज डिस्कवर्ड बाय जॉन्स एंड डेविस इन 1944, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। ट्राइमेटिक इंसेमिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन विच फैमिली इज अ सीमिसिडी, इसके अंदर बेडबग आती है साइमेक्स, उसके अंदर यह पाया जाता है। देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन था, द मोस्ट अमंडेड प्राइमरी मिनरल्स आर क्वार्टर्स एंड सेकंड वन इज द फेल्सपार, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। इन मेज क्रॉप अक्रॉस बिटवीन एन इनब्रेड एंड ओपन पोलिनेटेड वैरायटी इज नोन एज टॉप क्रॉस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। विच कैन्स आर रिकमेंडेड फॉर द कैनिंग ऑफ द स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द एसिड रेजिस्टेंस लिक्विड कैन्स, देन व्हाट इज द एटीपी प्रोडक्शन अंडर एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन अ प्लांट्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ जिसमें दो एटीपी का प्रोडक्शन होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी, मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो आपकी जीरो होगी, ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें थर्ड वन जो होगा वो आपका राइट होगा। देन द एनएबे रोगा और अ फुट रोट इज अ डिजीज ऑफ एरेकानट की डिजीज है, ऑप्शन नंबर थर्ड वन राइट होगा। देन द अंडर द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का केस देखे तो ये तीनों ही जो कंडीशन है यहां पे लागू होगी, इस वजह से इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इन डिपेंडेंट वेरिएबल है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, तो यहां पे चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 23, ट्रेंचिंग अराउंड द ग्राउंडनट फील्ड इज डन फॉर द चेकिंग द अटैक ऑफ द रेड हेयरी कैटरपिलर, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। चूज द एरोमेटिक क्रॉप फॉर द फॉलोइंग, एरोमेटिक क्रॉप कौन सी है? दवाना, दवाना जो है आपकी एरोमेटिक क्रॉप है, इसमें फर्स्ट वन ऑप्शन राइट होगा। विच फंजीसाइड इज अ हाईली स्पेसिफिक टुवर्ड्स द ओमाइसिटिस फंजाई, ओमाइसिटिस यानी जो डाउनी मिल्ड्यू कॉज करती है और उसके लिए मेटालेक्सिल काफी ज्यादा इफेक्टिव है, फर्स्ट वन ऑप्शन राइट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोइल कंजर्वेशन मेजर्स इज नॉट अ एग्रोनॉमिकल मेजर्स, कंटूर टेरेस ट्रेंचेस जो है वह एग्रोनॉमिकल नहीं है, वह मैकेनिकल के अंदर आएगा। देन द डोगरीज रूट स्टॉक इज अ पर्टेंस टू डोगरी, जो रूट स्टॉक है वह ग्रेप्स का है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। देन द क्वालिटी प्रोटीन मेज इज अ डिफरेंट देन द नॉर्मल मेज बिकॉज इट कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। एसएमआरसी मॉडल कम्युनिकेशन वाज गिवन बाय डेविड बर्लो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल माइग्रेशन ऑफ द स्मॉल मिनरल पार्टिकल फ्रॉम द ए टू द बी होराइजन सोइल प्रोड्यूसिंग बी होराइजन रिलेटिवली इन क्ले इज नोन एज लेसीवेज, और लेसीवेज का अर्थ होता है लीचिंग, इस केस में आंसर नंबर सेकंड राइट आएगा। देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ वेदर फोरकास्ट इज यूजफुल फॉर द चूजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न को चूज करने के लिए लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो होती है सुटेबल रहती है। एलिमेंट्स ऑफ द लर्नर सिचुएशन, लर्नर सिचुएशन के एलिमेंट्स यहां पे क्या होंगे? तो इस केस में इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो टीचर, सब्जेक्ट मैटर और टीचिंग मटेरियल, फिजिकल फैसिलिटीज और लर्नर, इस केस में ऑप्शन नंबर जो है आपका थर्ड वन जो होगा इस केस में राइट जाएगा। देन द नेक्स्ट वन, अ रॉन्ग डिसीजन अबाउट द हाइपोथेसिस लीड्स टू टू काइंड ऑफ एरर्स,
फर्स्ट वन इसमें, सेकंड वन ऑप्शन इसमें राइट जाएगा। देन 33, इन विच क्रॉप द डॉक मेथड इज अडोप्टेड फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, कॉटन इसमें राइट जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट होगा। देन द आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज अ पोटेशियम, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। देन एलिमेंट्स ऑफ द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो इस केस में जो आपका आंसर जाएगा वह फोर्थ वन जाएगा, दैट इज द इनोवेशन, कम्युनिकेशन चैनल, टाइम एंड सोशल सिस्टम्स। देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ईयर कोकल ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय बोथ निमेटोड एंड बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। टेक्नोलॉजीज टू मैनेज द स्पेशल एंड टेम्पोरियल वेरिएबिलिटी एसोसिएटेड विद द वेल एस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नॉन एज द प्रीसीजन एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। एक्वापोरिन्स फैसिलिटीज द मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्वापोरिन्स आर द प्रोटीन्स होंगे, इस केस में आंसर जो होगा आपका थर्ड वन राइट जाएगा। देन 39, दैट इज द हाईली सुटेबल क्रॉप फॉर मेकिंग द गुड क्वालिटी ऑफ साइलेज, इस केस में मेज जो है आपका सबसे ज्यादा सुटेबल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट जाएगा। देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है वेरीज करती है -1 to 1 के बीच, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। देन द बल्क ऑफ द पावर्स इज कंसंट्रेट इन द क्रिस्टलाइन क्ले मिनरल ऑफ द सोइल कोलाइट इज अ केटाइन एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। देन इन विच राइस डिजीज क्रेसेक फेज इज देयर इज अ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, ऑप्शन नंबर फोर्थ इस केस में राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 43, इज अ साइनोडोन डेक्टाइलोन इज अ पेरेनियल वीड होता है, बहुवर्षीय खरपतवार है। अमंग द फॉलोइंग विच मेडिसिनल क्रॉप इज अ नेचुरली प्रिवेलेंट इन द एरिड रीजन ऑफ थार डेजर्ट इज अ सिट्रुलस कोलोसाइंथिस, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस केस में आपका राइट जाएगा। देन 45, आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट विच इज अ फंक्शन एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, इस केस में ऑप्शन नंबर थर्ड कैल्शियम होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनेल विच इज अ नॉट अ पार्टिसिपेटिंग इन द फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस, कौन सा जो है फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। देन द एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर एट अ फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी की जो वाटर का जो एनर्जी स्टेटस होगा यहाँ पे कितना होगा, इस केस में 0.01 to 0.03 मेगा पास्कल होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, क्योंकि अगर बार में देखें तो 0.33 बार आता है और मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 0.03 आएगा। देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द सोलवेंसी ऑफ अ बिजनेस कैन बी डिटरमाइंड बाय द इवेलेटिंग द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। देन हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टिलेज, दैट इज द जेथ्रो टूल, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इस केस में राइट होगा। अ कंपोनेंट ऑफ ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम, ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम का कंपोनेंट है वेंचुरी, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा यहाँ पे राइट होगा। देन 51, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है, गेस्चर एंड पास्चर, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्कवर्म डिजीज इज अ ट्रांसवर्सल ट्रांसमिशन पाई जाती है, तो दैट इज द पेब्राइन डिजीज, पेब्राइन डिजीज ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। देन द जिंक कोटेड यूरिया शुड कंटेन मिनिमम परसेंट ऑफ जिंक, अराउंड 1.5% के आसपास होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा, 2%। विच अमंग दिस इज द होस्ट प्लांट ऑफ द कुसमी स्ट्रेन ऑफ लेक इज अ सिलिसीरिया ओलेएसिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। इफ थ्री जीन्स आर द सेग्रीगेशन फॉलोइंग द मेंडल लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हाउ मच डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप्स विल बी ऑब्जर्व्ड इन अप टू जनरेशन, में कितने जीनोटाइप जो है इस केस में बनेंगे, तो इस केस में आंसर आपका थर्ड वन जाएगा, दैट इज द 27 इसमें आंसर आएगा। देन द 56, इसके अंदर एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, 2 अक्टूबर 1952 के अंदर लॉन्च हुआ। देन द डेल्टा मेथ्रीन बिलोंग टू द विच केमिकल ग्रुप इज अ सिंथेटिक पायरेथ्रोइड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का मेजर नहीं है, तो वो मीडियन है, क्योंकि मीन मीडियन मोड जो है सेडियन सेंट्रल टेंडेंसी के जो है मेजर्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 59, विच सेगमेंट इन द मेल ग्रास ओपर फॉर्म द जेनिटियल सेगमेंट, मेल ग्रास ओपर के अंदर जेनिटियल सेगमेंट जो होते हैं वह कहां होते हैं, तो इस केस में ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, 9th एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे होते हैं। विच ग्लैंड्स इन हनीबी इज प्रोड्यूस द रॉयल जेली इज अ लेटरल हाइपोफेरेंजियल और फेरेंजियल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी हैज गिवन बाय, ये थ्योरी दी एम रोगर्स ने, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। द सेलाइन सोइल्स हैव एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ, सेलाइन सोइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होगी, मोर देन 4 महोस पर सेमी स्क्वायर होगी। देन द अमंग द डिफरेंट मल्टी स्टोर्ड एंड मल्टी स्पीसीज क्रॉपिंग सिस्टम विच सिस्टम इज मोस्ट सुटेड इन द एरिड रीजन, एरिड रीजन के अंदर मोस्ट सुटेड जो यहां पे होगा वह क्या होगा, तो इस केस में बेर केयर और फोक, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। जीरो स्टेज ऑफ रस्ट फंजाई से कॉमनली, जीरो स्टेज ऑफ रस्ट फंजाई जो कॉमनली नॉन एज दैट इज द पिक्नोस्पोर्स को कहा गया है। देन आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द सोडियम, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। ड्यूरिंग द मिल्किंग प्रोसेस नेम द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क लेट डाउन, दैट इज द ऑक्सीटोक्सिन, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा।
देन 67 क्वेश्चन है, हर्बिसाइड बिलोंगिंग टू एमाइड ग्रुप, एमाइड ग्रुप से कौन सा हर्बिसाइड जो बिलोंग करता है, तो देट इज द ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। द जेनेटिक आर्किटेक्चर ऑफ अ क्लोन वेरायटी का जेनेटिक आर्किटेक्चर होगा वह किस प्रकार का होगा, तो इस केस में आंसर होगा आपका सेकंड वन, इट इज इन हेटेरोजाइगस एंड होमोजीनियस होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। इन ए क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन रैशनल जोन इज ऑलवेज सेकंड जोन होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। देन 70 नंबर, इन राजस्थान अंडर केनाल इरिगेशन सोर्स द मेजर एरिया अंडर इरिगेटेड थ्रू द विच प्रोजेक्ट, वैसे इसमें इंदिरा गांधी आएगा और इस प्रोजेक्ट के अनुसार बाखरा प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो आपका राइट होगा। होल्स इन द कोकोनट ट्री ट्रंक विच प्रोड्यूसिंग चूड फाइब्रस मटेरियल एंड ब्राउनिश ऊज इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम बाय अटैक ऑफ विच पेस्ट इज अ रेड पाम विविल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। मॉइस्ट सॉइल्स विच हैव अ रिलेटिवली डार्कर हैव लोअर एल्बिडो देन द ड्रायर, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। देन द क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन फॉर द वीट क्रॉप इज अ क्राउन रीट इनिशिएशन CRA, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द वर्ड एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर द नर्सरी राइजिंग ऑफ खरीफ ऑनियन इज ए मई जून, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही होगा। द एसेंसिलिटी फॉर द एफ इन अ प्लांट इज डिस्कवर्ड बाय ग्रीस इन 1843, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। फ्लोर गेव द कॉन्सेप्ट फॉर जीन हाइपोथेसिस व्हाइल वर्किंग ऑन द लिनसीड, ऑप्शन नंबर थर्ड इस केस में राइट होगा। देन द सीमेंट मेक्सिको मेंटेन द जर्म प्लाज्मा ऑफ मेज वीट ट्रिटिकेल, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर रेनी क्लाउड्स आर फॉर्म इज अ ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सेकंड इस केस में राइट होगा। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर इन 1974, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। 70 ऑफ द क्लब रोट और क्रूसीफर कैन बी रिड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ, किसके एप्लीकेशन से ये डिजीज को जो है अपन कम कर सकते हैं, तो लाइम के एप्लीकेशन से, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। द कंप्रेशन रेशियोज फॉर द डीजल इंजन आर इन द ऑर्डर ऑफ 14:20:1, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा इस केस में राइट होगा। देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टेक्सटाइल क्लासेस इज इन हैविंग हायर सेंड कंटेंट, लोमी सेंड होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग एक्सटेंशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो 1979 के अंदर लॉन्च हुआ था गोल्डन जुबली ईयर पर, लेफ्ट टू लैंड, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज कॉमनली प्रैक्टिसेस, इसके इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, सुटेबल स्टोरेज टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड फॉर द ओनियन दैट इज 0 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 65 to 70% RS रिक्वायर्ड होता है। देन द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ प्यूराइन वेरायटी कैन बी मेंटेन्ड बाय मास सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इस केस में आपका राइट होगा। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्रेशर फॉर्मूला फॉर डायमीटर इंक्रीमेंट, प्रेशर फॉर्मूला क्या होगा डायमीटर इंक्रीमेंट का, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। देन द नेक्स्ट वन आता है क्वेश्चन, इसमें सेंट्रल सूप एंड सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर, ये है ऑप्शन नंबर सेकंड। देन द मेन कंबस्टन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज अ मिथेन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर फोर्थ इस केस में राइट होगा। देन द इज द रिलेटिव लैंड रेशियो अंडर द सोल क्रॉप दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव इन इंटरक्रॉप इज अ लैंड इक्विलिटी रेशियो, इक्विलेंट रेशियो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। वाटर मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट पाथवे इन ऑब्स्ट्रक्ट बाय अ कैपेसेडियन स्ट्रिप विच आर प्रेजेंट इन, इस केस में जो आपका आंसर जाएगा वो आएगा आपका सेकंड वन एंडोडर्मिस, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोइल सर्वे आस्क द हैव द ब्रॉड मेजर सोइल ग्रुप इज अ रिकोनेंस सर्वे, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। व्हिच वन इज द बार्ड एंड द लीफ निमेटोड इज एफेलेंचोइडस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इस केस में राइट होगा। द एल्कलिनिटी इन द एल्कलाई सोइल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द सोल्यूशन इज अ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट जाएगा। देन द वाटर डिस्पर्सल ऑफ पोर्स इज कॉल्ड, वाटर डिस्पर्सल ऑफ पोर्स जो होंगे उसको अपन किस नाम से जानेंगे, इस केस में आपका आंसर जाएगा हाइड्रोचोरी, ऑप्शन नंबर थर्ड। देन द सुवर्णा सब फर्स्ट इज अ फेमस वेराइटी ऑफ, ये फेमस वेराइटी है आपके राइस की, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा यह राइट होगा। देन एस्पिलोसिथिका रिलिका इज अ कॉज द विच डिजीज इन अ सोरगम इज अ हेड स्मार्ट, इस केस में ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। देन फरो ओपनर्स यूज इन अ जीरो टील एंड सीड ड्रिल्स आर द इन्वर्टेड टी टाइप, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। देन द बेयर वेराइटी थार सेविका डेवलप्ड बाय द क्रॉसिंग ऑफ, किसके क्रॉसिंग से डेवलप की गई है, देट इज द सेब एंड काथा के क्रॉस से जो है डेवलप की गई है। ये 100 क्वेश्चन हो गया आपके प्रीपीजी के अंदर जो पूछे गए थे, मोस्ट ऑफ जो है आपके एक्यूरेट आंसर यहाँ पे लगाए गए, फिर भी हो सकता है एक दो क्वेश्चन के अंदर आंसर जो है आपके वेरी करें, फाइनल आंसर की वही रहेगी जो आपकी यूनिवर्सिटी देगी, लेकिन फिर भी आप यहां से अंदाज लगा सकते हो कि आपका कौन सा आंसर सही था। थैंक यू वेरी मच।